ये कौन है भैया? ये वही है जो हमेशा होता है। हाँ, क्या नाम है उनका? दिशा जी, यू नो लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, लेकिन आप अपने बाल ऐसे पिक्चर में कट, ऐसे मतलब ऐसा हम कभी देख सकते हैं क्या, ऐसे कट करते हुए ऐसे? शायद फ्यूचर में सर, जब थोड़ा बोर हो जाऊंगी लंबे बालों से तब काट दूंगी। भूषण जी, आपसे आखिरी सवाल कि एंड सर आपसे भी कि आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, लेफ्ट में जिस तरह से ट्रेलर चल रहा था उसमें ऐसे फीलिंग आ रही थी गाना इससे ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला था, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि आने वाले दिनों में गाने कैसे होने वाले हैं इस फिल्म? गाना के जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गाने तो स्क्रिप्ट से पहले सुने थे मैंने, और उसी दिन मैंने मोहित को बोला था कि ये सुपर डुपर हिट गाने हैं और पिक्चर तो मैं कर रहा हूँ, चाहे तुम पिक्चर मत बनाओ लेकिन गाने मुझे ज़रूर दे देना। सो गाने बहुत बेहतरीन हैं, और अब जब गाने एक एक करके आएंगे, एक झलक आपने इसमें भी देखी, अपना ट्रेलर में भी गाने की देखी, सो गाने बहुत ही बेहतरीन हैं जी। आदित्य एंड दिशा, आप दोनों का जो किसिंग सीन है उस पर बहुत सारे मीम बन रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? एंड दिशा आपको ट्रोल कर रहे हैं लिटरली उस चीज़ को लेकर। नो, यू टॉकिंग अबाउट द पोस्टर? या हां, आई एम यूज्ड टू मैम ऑफ ट्रोलिंग, इट्स फाइन। सॉरी, आई कांट सी यू, कैन आई? I think I enjoy memes, and personally when I see memes I really enjoy looking at a meme, so it's good that we're making people laugh or happy. I mean, there's a saying, it's better to be talked about than not being talked about, so it's a good thing. Okay, Bhushan sir, kal aap ek meeting mein gaye the jahan pe kai sare Bollywood celebrities ko bulaya gaya tha, Anil sir, Aditya and Disha and Mohit, aap sabhi se janna chahte ho, kya aapko invite aaya nahi tha ya aap log gaye nahi kisi karan? CA की मीटिंग थी, पीयूष गोयल ने ये मीटिंग आई वाज इन ग्रैंड हयात, यस, सो दैट डजंट मीन आई वाज इन अ मीटिंग और समथिंग, राइट? आइए, ओके, तो क्या आप लोगों को इनवाइट आया था, क्योंकि हमारे पास जो इनविटेशन कार्ड है उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम के लिए वो इनवाइट बनाया गया था, क्या आप लोगों को इनवाइट किया गया था? नहीं मैम, मुझे तो नहीं आया। नहीं, ओके जी, वी टेक, या ऑलराइट, सो दिशा, दिस क्वेश्चन इज टू यू, ओए हो, या सबसे पहले ट्रेलर अमेजिंग है, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। दिशा, यू नो वी ऑल हैव सीन दैट आप जिसके साथ भी पैर अप हो जाती हैं, जिस भी एक्टर के साथ कमाल की जोड़ी लगती है, सो यू नो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच इफ यू फील सो, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स जॉब टू यू नो मेक अस लुक गुड टुगेदर, एंड वी आर एक्टर्स, all we can do is you know do our best, and thank you so much if you feel so, I don't know what to say. Lovely, one more question I have guys, ek pehle se hi request hai meri, please is question ko attempt kar lijiye because ye bahut zaruri hai. Beeti raat humne dekha JNU mein jo kuch bhi hua, jis tarike se violence hui us pe agar aap apne tark vitark rakhna chahe, agar aap apne vichar rakhna chahe, that would be great. Ankur, would you like to add to that? Because see, किसी भी तरह का वायलेंस, चाहे वो JNU में हो या किसी भी कैंपस में हो, आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, वी कंडेम एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द रिलेवेंट अथॉरिटीज टू टेक नोट ऑफ इट एंड यू नो टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल, बट या आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन एवरीबडीज बिहाफ दैट, या इट इट जी पूछें। नो नो, आई थिंक यू नो आई फील एनी, इट हैज टू बी कंडेम्ड, एंड आई इट्स it was quite sad and quite shocking what I saw, what the, you know, and you know, it was very disturbing. Matter of fact, puri raat soya nahi ye soch soch ke ki yaar ye, you know, what is happening. So it has to be condemned, violence se kuch hone wala to hai nahi, and all the jinhone bhi ye kiya, they should be I think punished, absolutely. Yeah, there's no place for that kind of violence in our country, and the perpetrators have to be brought to task, definitely. Ji, aage? Love, mera sawal aapse hai. Aapne ye love Ranjan ji idhar, yahan ji. Mera sawal aapse ye hai ki aapne ek dusre ke, aapne aap dono ke nature ke bare mein zarur bataya ki aap aise hain waise hain, lekin jab creative लेवल पे देखें तो आप दोनों ही डायरेक्टर हैं, और दोनों बहुत अलग अलग किस्म का सिनेमा या कहानी क्रिएट करते हैं,
तो क्रिएटिव लेवल पे कहीं डिफरेंसेस आए थे आप लोगों के बीच एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर? मैम क्या है ना कि मैं इस मैंने जैसा कि कहा कि अगर हम लोग शायद एक रोमांटिक कॉमेडी बना रहे होते या हम कॉमेडी बना रहे होते तो हम लोगों के बीच में हो सकता है डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते,